नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिक्सिटी सिंटे यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे 6 सितंबर 2018 की मेजर करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। उससे पहले देखो, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर इज सी, रंजन गोगोई जी। और स्टार्ट करने पहले से, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कजिंद KAZIND कंडक्टेड इन बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच जो है सितंबर 10 को होगा। तो राइट आंसर इज सी, कजाकिस्तान। रिसेंटली संगमट ट्राइब हैज सेलिब्रेटेड इट्स फेमस एनुअल फेस्टिवल मूंग मूंग, व्हिच स्टेट हैज दिस ट्राइब जो है बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से। तो राइट आंसर इज ए, नागालैंड। रिसेंटली द इंडियन वर्जन ऑफ रोबोट सोफिया हैज बीन लॉन्च नेम्स एज, क्या नाम रखा गया है। तो राम है रश्मि। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट। तो इससे कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, अब नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज अरिफ अलवी, जरूर याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, इरफान खान। हु बिकम द सेकेंड कंपनी टू टच अ ट्रिलियन डॉलर फिगर इन स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑन सेप्टेंबर 4, ठीक है। तो ये कौन सा कंपनी है, तो राइट आंसर इज ए, अमेजन। रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट ब्राबोन क्रिकेट स्टेडियम, ये कौन से सिटी में लोकेट करता है। तो राइट आंसर इज बी, मुंबई में। फ्रॉम व्हिच गेम आरपी सिंह रिटायर्ड रिसेंटली, कौन से गेम वो खेलते थे जिससे उन्होंने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, दैट इज क्रिकेट। व्हाट इज जबी, दैट इज रिसेंट न्यूज में है तो आपको बताना है। तो दिस इज आपका जापान का एक स्टॉर्म का नाम है। व्हिच मोबाइल एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड फॉर द कॉफी मेकर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभू, ठीक है, कौन सा नाम है। तो राइट आंसर इज कॉफी कनेक्ट, नाम जो दिया गया है वो है कॉफी कनेक्ट। रिसेंटली द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अप्रूव किया एक परसेंटेज इंक्रीज डेली वेज ऑफ क्राफ्ट्समैन का, जो है एक डेली वेज में बढ़ोतरी की बात की गई है, व्हाट इज दैट। तो राइट आंसर इज 36% जो है इंक्रीज करने की बात की गई है। व्हाट अमाउंट नाबार्ड हैज सैंक्शन फॉर वेस्ट बंगाल इन अगस्त, अगस्त में जो है नाबार्ड ने कितना अमाउंट वेस्ट बंगाल के लिए सैंक्शन किया है। तो राइट आंसर इज ए, 335 करोड़। HDFC Argo मेक साइबर इंश्योरेंस पर्सनल विथ लॉन्च ऑफ विच प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट के साथ ये लॉन्च हो चुका है। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज ई, एट द रेट सिक्योर, ठीक है। वेर इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 कहाँ पे हुआ है, जापान चाइना नेपाल में। तो ये हुआ है आपका नेपाल में। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है, ये याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो होता है आपका 5 सितंबर का। और आज क्विज देख लेते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड मोबिलिटी समिट 2018 ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया में, क्या नाम है उसका, मूव, रैपिड, होप। तो आपको जरूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।